मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। सबसे पहले आपको मुंब्रा पुलिस स्टेशन की खबर सुनाते हैं। लॉकडाउन में परेशान अमृत नगर के रहने वाले सलमान की मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकरकर ने राशन देकर मदद की है। सलमान काफ़ी परेशान था, घर में राशन नहीं था, कहीं से भी मदद नहीं मिलता देख सलमान ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकरकर को फ़ोन कर अपना दर्द बयां किया, जिसके बाद मधुकरकर ने सलमान को राशन देकर उसकी मदद की है। मैं 2 महीने से घर में लॉकडाउन में बैठा था, काम धंधे नहीं थे, राशन की कमी थी, तो मैंने मुंब्रा के सीनियर इंस्पेक्टर से फ़ोन किया मधुकरकर साहब को, तो उन्होंने मुझे राशन दिया, उनका शुक्रिया धन्यवाद अदा करता हूँ। वही दूसरी खबर मुंब्रा के खड़ी मशीन रोड से है, जहां मनपा ने आज खड़ी मशीन रोड पर रहमानिया अस्पताल के पास अजमेरी टावर के 6वीं मंजिल पर कार्रवाई कर 3 रूम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि बारिश और तेज़ हवा की वजह से इसी अजमेरी टावर से 4 से 5 की संख्या में ब्लॉक गिरा था मंजूर जावले के घर पर, जिसमें मंजूर जावले और एक छोटा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये तस्वीरें मंजूर जावले के घर की है, कितना नुकसान हुआ था, पूरी तरह से इनका घर भी टूट गया था। मलबे से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनका कितना नुकसान हुआ था। और आज सुबह ही जितेंद्र साबले मनपा के अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी अपनी टीम के साथ पहुँचे और अजमेरी टावर की 6वीं मंजिल पर कार्रवाई की। कार्रवाई में 3 रूम पूरी तरह से तोड़ दिया गया और गैस कटर की मदद से 12 कॉलम 6 स्लैब काटकर गिरा दिया गया। आप तस्वीरें देखें, यही वो अजमेरी टावर है जिसकी 6वीं मंजिल पर मनपा ने कार्रवाई की है, और इसी तरह से तेज़ हवा की वजह से इस अजमेरी टावर के 6वीं मंजिल पर रखे ब्लॉक 5 से 6 की संख्या में मंजूर जावले के घर पर गिरे थे, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, मगर आज मनपा ने कार्रवाई कर 3 रूम तोड़ दिया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।